हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपना प्रोफेशनल रिज्यूम बना रखा है। इस रिज्यूम को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा और इसकी फॉर्मेटिंग किस प्रकार करते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस तरह की प्रोफेशनल रिज्यूम को कैसे बना सकते हो ताकि आपको किसी भी इंटरव्यू के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, आपको साइबर सेंटर तक ना जाना पड़े। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवध ग्लो ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर खुद से ही प्रोफेशनल रिज्यूम किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए आपको अपने लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोग्राम पे मिलते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डायरेक्ट ही ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले कुछ आवश्यक चीज़ों को ध्यान देना होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे अपने फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसका साइज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 रखना है। इसके बाद आप आएंगे अपने लेआउट पे, यहाँ पे आपको अपना मार्जिन नैरो सेलेक्ट करना है। इसके बाद साइज़ को A4 रखना है। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको आपका जो भी बायोडाटा रहेगा उसको एक एक करके आराम से यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद दोस्तों, आपको ध्यान बस इतना ही देना है, यहाँ पे मैंने जो भी हेडिंग रखा है उसको आप वैसे ही लिखेंगे। उसके अंदर आपका जो भी बायोडाटा रहेगा आप उसे फिल कर लेंगे। तो दोस्तों, बायोडाटा फिल होने के बाद बारी इसकी फॉर्मेटिंग की। तो दोस्तों, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग करता रहूँगा वैसे भी आप करेंगे तो आपका भी रिज्यूम देखने में बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल लगेगा। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो मेन हेडिंग है उनके ऊपर और नीचे दोनों जगह हमको स्पेस चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम इंटर के द्वारा उनके बीच स्पेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि हम पहले स्पेस करते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग ये है, यहाँ पे स्पेस लाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हमारा हेडिंग है ये, हम इसको इसके ऊपर नीचे दोनों जगह स्पेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह स्पेस करना है, वैसे ही यहाँ पे करना है बस दोस्तों। उसके बाद लास्ट में बचा है, उसके बाद यहाँ पर भी हम स्पेस कर लेंगे। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं ऊपर। तो दोस्तों, हमको रिज्यूम को बोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसका साइज़ भी बड़ा कर लेना है। इसको दो बार यहाँ पे करेंगे, उसके बाद इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम पेज के मिडिल में कर लेंगे, उसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला स्टेप हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, हम ईमेल आईडी के नीचे हमारा जो इसके पूरे पेज तक हम पूरे इसके लाइन एक ड्रॉ करेंगे, वो भी इक्वल द्वारा। पहले तो दोस्तों इसको नीचे लेके आना है, इसके बाद यहाँ पे हमको इक्वल प्रेस करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा ये भी हेडिंग है, इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेंगे, वैसे ही हमको हमारे सभी हेडिंग को बोल्ड अंडरलाइन उसके बाद एक बार प्रेस करके यहाँ पे हमको बड़ा कर लेना है, जिससे भी हमारा हेडिंग बहुत ही आराम से और अच्छा दिखने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आप
करेंगे। उसके बाद नीचे आपका जो भी नाम रहेगा इसको भी बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे एकदम राइट साइड में कर लेंगे पेज के नीचे। तो दोस्तों अब बारी है हमारे इस वाले हेडिंग के नीचे बुलेट लगाने की, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के बताऊंगा। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको बुलेट्स मिलेगा, इसको आप जो भी आपको पसंद हो उसको लगा लीजिएगा। मैं ऊपर वाला ही लगाऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है ये हेडिंग, मैंने बोल्ड नहीं किया था, इसको आप कर लेंगे बहुत ही ध्यान से, बोल्ड अंडरलाइन एक स्टेप बढ़ा। तो दोस्तों जैसा कि ये हो चुका है, इसके बाद हमारा जो भी पर्सनल बायोडाटा, इसको हम पहले तो इसमें बुलेट्स लगाते हैं, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इसमें टैब लगा के स्पेस कर देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद बस आपको इसके बाद यहाँ पर भी जैसे हमने लगाया था, इसको एक हेडिंग बीच में छूट रहा था, इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे अंडरलाइन एक स्टेप बढ़ा। उसके बाद इसमें भी इसी तरह से बुलेट्स लगा देंगे जैसा कि ऊपर हम लोगों ने लगाया है। तो देखिए दोस्तों हमारा बस फाइनल रेडी होने वाला है, बस कुछ और स्टेप बचे हैं, इसमें भी उसी तरह के बोर्ड लगा लेंगे, लास्ट में इसमें भी हम बुलेट्स लगा लेंगे। इसमें बुलेट्स वही एक रह गया है, इसमें भी बुलेट्स को हम लगा लेंगे। इसके बाद टाइम एंड डेट। तो दोस्तों देखिए हमारा फाइनल रिज्यूम बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।